पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान से मुतालिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो वायरल हो गई है। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा आतिफ खान से मुतालिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो वायरल हो गई है। आतिफ खान हैसियत की बात ना करें, सबको पता है कि इसकी क्या हैसियत है। अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो में ये बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आतिफ खान कहानियां ना बनाएं, इंक्वायरी का सामना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान से मुतालिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो वायरल हो गई है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं। जी, ये तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क्यादत है आतिफ खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। और ये आतिफ खान ने उनको जब इंक्वायरी का लेटर गया था तो उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि इसके पीछे अली अमीन गंडापुर है। कल से जो है वज़ीर आला का एक ऑडियो वायरल हो गया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो इंक्वायरी है ये मैंने नहीं की है और आतिफ खान जो है जाए इंक्वायरी को फेस करे। दूसरा, अली अमीन साहब ने ये भी कहा है कि आतिफ खान इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उनके पीछे पढ़ूं। और इस तरह का उन्होंने ये भी कहा है कि जो है पहले से बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं आतिफ खान को और जो है वो इन धमकियों से अब बाज आए। तो अब ये चीजें जो है इख्तलाफात जो है कुल के सामने हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और जो दो सीनियर रहनुमा है तो उनके दरमियान जो चीजें चल रही थी वो अब जो है मंजर आम पर आ गई है। बहुत शुक्रिया अली अकबर।